बजट में हमारा तो सबसे पहला एक अपेक्षा है बजट से कि जो ईवी सेक्टर में मेजोरिटी बैटरी का कंट्रीब्यूशन आता है व्हीकल कॉस्ट में, जो 40% तक जाता है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है। अगर वो 18% से 5% पे आ जाता है तो एक हमें कॉस्टिंग कम करने में एक राहत मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो आज ईवी है 5% पे है बिकता है, बट ये 18% रहने की वजह से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में चला जाता है, तो हमें एक जीएसटी का एक रिफंड का प्रोसीजर बढ़ जाता है। दूसरा, बजट से हमें ये अपेक्षा है कि जो एमएसएमईज है, जो आज इंडिया में 43% तक एक्सपोर्ट का मार्केट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से, अगर उनको ऑटो पीएलआई स्कीम में शामिल किया जाएगा तो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बढ़िया कदम होगा, जिससे नए बिजनेस मैन्युफैक्चरर को एक बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, अगर हम जो इनके ऑटो एंसिलरीज हम जो बोलते हैं वेंडर्स, अगर उनको भी विशेष रूप से कुछ सहायता की जाए, बजट में कुछ प्रावधान हो जाए, तो एक इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट पे जो सप्लाई चेन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ना कि कोई एक एक विशिष्ट मैन्युफैक्चरर को उसका बेनिफिट होना चाहिए, ताकि ना कि इसके अलावा वो सबको बेनिफिट होना चाहिए। एमएसएमई जो ईवी में आज वर्क कर रही है उनको विशेष रूप से कर्जा मिलना चाहिए बैंक से, जिससे इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एमएसएमई का अगर हम देखते हैं महत्व, तो वो आत्मनिर्भर भारत में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। एमएसएमई नए जॉब्स क्रिएट कर रही है आज के डेट पे, तो उसे प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने उनको विशेष रूप से जो कर्ज लेते हैं एमएसएमई बैंक से, उनको विशेष रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर्ज देना चाहिए। और जैसा हम देखते हैं कि बाहर के कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, हमारे भारत में भी दी जाती है, बट अगर कोई ऐसा बजट से या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है जहाँ पर पूरा इंडस्ट्री पार्क क्रिएट हो जाए और एमएसएमई को वहाँ पर ऑपरेशन रन करने के लिए मौका मिल जाता है, तो एक तो एमएसएमई बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी ये बजट को लेके, और ये जब उनको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, इंफ्रा कॉस्ट जो आज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी एमएसएमई का वो होता है इंफ्रा में, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो नए जॉब्स, नए बिजनेस, नए आइडियाज़ को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यही उम्मीद है हमें बजट से कि गवर्नमेंट ये एमएसएमई को प्रोत्साहन दे, जिससे हम जल्द से जल्द जो लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचना है, उसमें एक सहयोग हो जाएगा। का नाम मैं संकेत जितेंद्र शाह, को फाउंडर ऑफ जितेंद्र न्यू वीटेक।